आज से फिर बदल गया है अवनी का पता। जेल से छूटने के बाद वो अपने ससुराल यानी नील के घर आ गई है। यहाँ उसे लाल चुनर उड़ाकर उसकी आरती उतार कर नई नवेली दुल्हन की तरह जोरदार स्वागत किया गया। किक मार, राजा हमारे घर के अंदर। लेकिन अवनी के इस गृह प्रवेश से पहले एक ड्रामा भी हुआ, जब नील अवनी के चेहरे पर कपड़े बांधकर उसे हॉस्पिटल से किडनैप करके घर ले आए। छोड़ो मुझे, छोड़ो। नील की इस हरकत पर पहले तो अवनी को गुस्सा आया, लेकिन अगले ही पल सारा गुस्सा काफूर हो गया जब नील ने उसे किडनैपिंग का रीजन बताया। बोले इतने दिनों बाद तुम्हारे घर में एंट्री हुई थी, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा एक्शन, थोड़ा सा एडवेंचर और थोड़ा सा चैलेंज तो बनता है ना, तो मैंने सोचा कि ये कर लेते हैं, वरना काफी बोरिंग हो जाता है इसी। तुम पागल हो, पागल हो। अरे अगर मेरे हाथ नहीं बचते ना, पिटते तो मुझसे ही पिटते, पीट लो ना मुझे। तरीका था मेरा कुछ अलग सा एक एडवेंचर करने के लिए, क्योंकि बड़ा बोरिंग हो जाता है अगर नॉर्मली वो आती घर में और ऐसी नॉर्मल एंट्री करती हैं, गृह प्रवेश होता, तो आई जस्ट किडनैप्ड हर फ्रॉम द हॉस्पिटल और एक अलग लुक में, अलग आवाज़ में उन्हें किडनैप करता हूँ मैं। तभी वहाँ मिष्टी भी आ पहुँचती है, जिसे देखकर अवनी की खुशी दोगुनी हो जाती है और वो मिष्टी पर अपना ढेर सारा प्यार बरसाती है। इसके बाद बेबे, श्वेता, नीलमा, पापा जी और अली सब दरवाजे पर अवनी से मिलते हैं और उसे घर के अंदर ले आते हैं। इतने समय के बाद एक ये जो माहौल आपने देखा, एक खुशी का, एक तृप्ति का जो माहौल था, अवनी वापस घर पर आ गई है, बहुत समय के बाद हुआ है, एंड आई थिंक वी एज एक्टर्स ऑल्सो आर लविंग इट एंड एंजॉयिंग आवरसेल्फ। अब देखते हैं नील और अवनी की ये खुशियाँ कितने दिनों तक रहती हैं, क्योंकि इनकी जिंदगी में विद्युत नाम का एक ग्रहण जो है, और वो टीआरपी के लिए जरूर कोई ना कोई साजिश रचेगा।